to touch. And every way, I can't give it up. Anything, just to feel the rush. This just ain't enough. देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ और इस तरफ पूरी दीवार देख सकते हैं, नीचे पूरा ढल गया है, नीचे गिरा पड़ा है, कुछ ना कुछ पार्ट्स आप पीछे देख सकते हैं, जैसे दीवार खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके मैं दिखा देता हूँ, आपको डिटेल पूरा दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर होल हो गया है ये दीवार पूरा, और घने जंगल में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ पार्ट्स वहाँ मिलेंगे। सामने भी देख सकते हैं आपको एक कुछ दीवार सा बना हुआ है, और आगे जाएंगे थोड़ा सा छोटा सा पत्थर यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। ये पूरा किला हुआ करता था, जो आज के टाइम पे देख सकते हैं आप पूरा गड्ढा हो गया है यहाँ पे, और नीचे नीचे आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे भी आपको पत्थर देखने को मिल जाएगा। ये पूरा एरिया किला में हुआ करता था पहले, जो अब दब चुका है। सामने आपको वॉल दिख जाएगा, वो जो वॉल अभी तक मौजूद दिख रहा है कंडीशन में। ये देखिए आप बाउंड्री, आप देख सकते हैं यहाँ तक बाउंड्री थी, इस कंडीशन में थे। चलो थे और आगे चल के आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आप देखिए ये आर्च, देखिए यहाँ पे भी एक आर्च बना हुआ है ऊपर से, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पत्थर पे भी आज कुछ बना हुआ है। और आगे की तरफ आप और जाएंगे, नीचे एक पत्थर दिख रहा है यहाँ पे, और आगे की तरफ भी जाएंगे पूरे वॉल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कमरे बने होंगे जो टूट चुके हैं आपको वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और आप वहाँ से आप किले का वॉल देख सकते हैं, सामने धूप पड़ रही है तो आप नज़र आएगा, आपको वॉल नज़र आ रहा है वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज खड़ा हूं अभी यहां जहां मैं खड़ा हूं, मैं एक हरिवंश महाराज जी के किले के सामने खड़ा हूं। पीछे आप देख सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है, एकदम बुरी कंडीशन में है, और मैं बहुत सैड फील करता हूं कि ये एक आजमगढ़ में मैं हूं, यहां पे आजमगढ़ का इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस इस कंडीशन में है। देख सकते हैं आप पीछे क्या कंडीशन है इस किले की, जो भी है ये अपनी धरोहर चीज़ है, इनको मेंटेन करके रखना हमारा काम है, बट हम इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी ही गलती है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं दे सकते, क्योंकि आसपास के लोग जो रहना चाहते हैं वो लोग ज़मीनों पे ज़्यादा कब्जा करते हैं, और अब इनको अब ये हिस्टोरिकल चीज़ प्लेस हैं, ये जब चीज़ें हमें बाद में देखने को नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें हमारी यादगार चीज़ें होती हैं, इसको संभाल के रखना हमारा काम होता है, और ऐसी चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब ये दिन पर दिन ये टूटता जाएगा और ये बिखर जाएगा, तो जो भी कुछ देखना है इस वीडियो में देख सकते हैं आप, मैं आपको इतना पूरा दिखाऊंगा इसमें। और ये महाराजे जो थे वो बाद में मुसलमान का जो धर्म था उन्हें अपनाया, और दौलत इब्राहिम के नाम से वो जाने गए, और आपको फुल वीडियो डिटेल्स में दूँगा आपको आगे चल के, आपको और दिखाऊँगा। यहाँ पर उनका मकबरा भी है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसका मकबरा का कवर करूंगा। अब दीवारें की कंडीशन आप देख सकते हैं, सामने आपको दीवार नज़र आ रही होगी और दीवार खड़ी है। यहाँ के लोगों से हमने पूछा तो ये बता रहे थे यहाँ पे 30 साल तक ये दीवार थी, 30 साल बाद से ये ढेर हो गई, तो मतलब समझ सकते हैं कि 23 साल तक आप इसको जिसने भी देखा होगा तो उस टाइम अच्छी कंडीशन में था। ये सामने से आप देखें तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और एक पूरा खंडहर में दिख गया है। चलिए अंदर चल के आपको थोड़ा कुछ दिखाते हैं, किस टाइप का लुक दिख रहा है आपको अंदर में। देखिए आपको अंदर में इस तरह दिखाई देगा, अंदर पूरे कचड़े ही रखे हैं, और ये आप देख सकते हैं इस तरह ये घूमड़ उनका बना हुआ है। आप ऊपर के आकार में देख सकते हैं इस तरह इस पर प्लास्टर हुआ करता था, मिट्टी का प्लास्टर लगाया होगा, वो निकल गया है और वो सब गिर चुका है, तो इस कंडीशन में अभी कुछ बचा हुआ दिख रहा है आपको। ये अंदर का लुक है, अब ऊपर भी एक मंजिला है, ऊपर भी आप देख सकते हैं।
और इधर से अंदर जाने का भी कुछ रास्ता है। डर सा भी लग रहा है, कुछ है तो नहीं अलग अलग, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फिर भी हम चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ निकलता है। ये शायद से ऊपर जाता है ये रास्ता, जहाँ पे ये रास्ता लेटर की तरह है, ऊपर की तरफ जाता है। ये आप ऊपर भी यहाँ देख सकते हैं, लेटर बना हुआ है, जिस तरह हम यहाँ पे पैर रख के ऊपर की मंजिल में हम आ गए। देख सकते हैं ऊपर भी इस तरह बना हुआ है, इसके ऊपर की मंजिल है जो यहाँ से ये टूट चुका है। आज अच्छी बात यह है कि सामने एक गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है, जो गर्ल्स लोगों के लिए है, और सरकारी है या प्राइवेट है उससे मतलब पता नहीं, बट कॉलेज बना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ तो बन गई तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बट आप ये देख सकते हैं पूरा इस तरह का व्यू है। यहाँ से हम अभी अभी आए ऊपर, अभी हम आए जस्ट अभी, और यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का व्यू आता है। अब इधर सब जाएंगे, पीछे साइड आप देख सकते हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें दो साइड से एक चीज़ बनाई है। ये सब वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है कि हवा पास हो सके यहाँ पर दोनों तरफ। इस लोकेशन से आपको ये दिखाई देगा। आजमगढ़ में एक ऐसा धरोहर जो खुद में एक बड़ा चीज़ है, ये फोर्ट जो अभी आप पीछे कंडीशन देख रहे हैं इसकी, बहुत ख़राब सा फील होता है, क्योंकि ये हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो ऐसे ख़राब होती जा रही हैं, जिन्हें हम ऐसे में देख नहीं सकते, क्योंकि ये आने वाले कुछ सालों में अब ये ढल जाएंगे। इसके बारे में कोई इतिहास, किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि आसपास भी मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कितने कब बना है, कोई बुजुर्ग आदमी से ही पूछा, तो उन्होंने यही रिप्लाई किया कि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, जब से होश संभाला है तब से हम इसको देख रहे हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि कब क्या बना, क्या है क्या नहीं है। हमारी हिस्ट्री अब मिटती जा रही है, कुछ कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, या हमें खुद को ही ध्यान देना है। ये एक्चुअली समाज का काम होता है, आसपास लोग जो रह रहे हैं उनका ये काम है कि ये धरोहर को बचा के रहें, ना कि इस पर कब्जा कर लें, क्योंकि आसपास पूरा सराउंडिंग आप जो देख रहे हैं, कहीं कॉलेज स्कूल खुल गया, कहीं मंदिर है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर है, वो भी दिखा सकते हैं आपको। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर है, कॉलेज है, ये तो चलो यूज़ के लिए है। जैसे आप कॉलेज खोला है, गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिख रहा है आप, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ खुली है मैं मानता हूँ इसका, चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये खुला है तो चलो किसी के लिए पढ़ाई के लिए और एजुकेशन के लिए है। लेकिन वो भी बोल सकते हैं कि ये फोर्ट के सामने है एक टाइप का कॉलेज है, तो इसमें भी नॉलेज बन सकता है कि हमारा इतिहास क्या कहता है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा मलबा ढल चुका है, बचा कुचा यही चीज़ आपको नज़र आ रहा है हमारे पीछे। मैंने अभी आपको फोटी दिखाई ऊपर की, और यही चीज़ बचा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और आगे अब ठीक इस किले के पीछे ही एक मंदिर है, लाहौरी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे लोग काफ़ी मंगते मांग के आते हैं और पूजा दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे भंडारा अपना खुद करते हैं या करवाते हैं, जो भी है सीन आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और पीछे देखिए आप, ये किला आपको नज़र आ रहा है जो एकदम जर्जर हो गया है, कंडीशन में बहुत ही ख़राब कंडीशन में आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए मेरे पीछे से आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। और आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ आपको ये मंदिर, जिसमें मंदिर में बहुत लोग आते हैं, पूजा करते हैं, देखिए पूजा कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे खाना बन रहा है और खाना बना के खाते हैं, जो भी है यहाँ पे मंगतें पूरी होती हैं। और ये आप देख सकते हैं लाहौरी माता जी का मंदिर है, और आपको आगे से दिखा देते हैं मंदिर के बारे में। ये देखिए
ये मंदिर है, चलिए अभी आपको इस तरफ से वो लोग बता दें किले का जो आगे का घूमड़ है वो लगा हुआ है यहाँ पे।